गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर टू हरे कृष्ण एंड गुड मॉर्निंग। और आज का दिन सब सबका अच्छा जाए, मंगलमय हो और यही विश करता हूँ मैं। सो कल को मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो मतलब डांस क्लास से आने के बाद मेरा थोड़ा सा ना बीपी पता नहीं डाउन चला गया था, क्या हो गया था एकदम से, मुझे ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया था और मुझे कर्ल्स भी नहीं शो हुई थी पैसे से, लेकिन थोड़ा सा इशू मेरे को, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो इसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अभी भी बस मैं मतलब थोड़ा ठीक हूँ अभी, बाकी आप मेरे मुंह में देख सकते हो स्वेलिंग आ रखी है, पता नहीं क्यों आ गई है स्वेलिंग। तो करना कुछ नहीं आज भी कलीफू है, कलीफू के साथ खेलेंगे मिलेंगे और उसके साथ मजे करेंगे। अब वो ना मतलब बड़ा हो चुका है ना, तो बड़ा हो गया तो उसके साथ खेलने में मज़ा आता है, छोटा था ना तो डर लगता था उसे उठाने के लिए, क्या भाई इसको कुछ लगता था बोलने का। अब वो क्या है, थोड़ा वो हो गया, स्टेबल तो हो गया मतलब कि थोड़ा गुलगुला सा हो गया, उसको उठाने में ऐसा मज़ा आता है ना, वो फिर हंसता भी है बातें भी करता है, अब वो अपनी तरफ से बातें करने की हमारे साथ कोशिश करता है करके, तो हम लोग भी उससे बातें करते हैं, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता होता हूँ, मैं ब्लॉग्स भी करता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। तो मिलते हैं आज फिर से, तो आज फिर खलीफू यहीं पे, अभी मुझे पता नहीं कब जाएगा वो घर, अभी मुझे नहीं पता, जब तक वो यहाँ पे अभी ब्लॉग में आने वाला डेली। सो मिलता हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। सो ये है हमारा खलीफू, सो इसी साथ हम खेलेंगे। कहाँ जाने, चलो जाओ जाओ दिखाओ मुझे, हमारा टिंडू सिंह है। कौन है हमारा? टिंडू सिंह, ये है हमारा टिंडू सिंह, टिंडू टिंडू सिंह, टिंडू टिंडू सिंह, इधर देखो इधर, अरे मेरे टिंडू सिंह, आई हमारा टिंडू सिंह, टिंडू सिंह, ओए ओए टिंडू सिंह। इसको सब पता है कि इसकी वीडियो बन रही है इस टाइम पे, देखो इसका ध्यान पूरा वहाँ पे, ओए ओए टिंडू सिंह, ओए ओए टिंडू सिंह, मेरा टिंडू सिंह। खा दूंगा, चलो खलीफू को खा जाएंगे आज हम, आज हम खलीफू को खा जाएंगे, चलो बैठो इधर आराम से, बैठो आराम से। ये कौन आया, 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 ये कौन आया, 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 कौन आया। चीटी आ गई, चीटी चीटी, अरे बाहर बर्ड्स आ गए, बर्ड्स बाहर, बर्ड्स है बर्ड्स, हेलो हेलो हेलो, चलो हेलो करके दिखा दो सबको, हेलो 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 हेलो, कितने बकवास कर रहे हैं, पूरे इग्नोर करना उन्हें, हेलो हेलो हेलो, चलो बाय कर दो सबको, चलो बाय कर दो, बाय कर दीजिए, बाय कर, बाय 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 बाय। तो अभी जस्ट मैं अभी मतलब फ्री हुआ था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ बात 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 कर ली जाए थोड़ी सी, कि आराम कल कल को क्या हुआ था, कल को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम से, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैं अभी इसमें छोड़ दिया था। तो अभी मैंने सोचा चलो आप सबसे बात कर ली जाए, कुछ करने को था नहीं, खलीफों के साथ रहता हूँ सारा दिन, कर उसके साथ खेल रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चैंटिंग वगैरह होती है, बुक रीडिंग होती है, वो सब चीज़ें करता हूँ। तो आज कल ऐसे दिन निकल रहा, तो ज़्यादा मैं कुछ ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप सबसे इसलिए सॉरी मांग रहा हूँ। और आज साहब श्रावण की शिवरात्रि है, मुझे अब पता चला, तो आप सबको श्रावण की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं भोलेनाथ और माँ पार्वती आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सब भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि करके हम सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करें, हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए। तो क्योंकि वैष्णव नाम यथाशंभु, जैसे मैंने आप सबसे बताया कि वैष्णव नाम यथाशंभु, मतलब कि वैष्णव सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी माने जाते हैं, तो शिव जी से हम लोग यही प्रे करते हैं कि शिव जी हमें कृष्ण प्रेम दे, कृष्ण की भक्ति दे हमें, क्योंकि
हैं, वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं हमेशा। आप सब लोग देखते हो उन्हें हमेशा योग मुद्रा में बैठे होते हैं, तो हम सब लोग ये मानते हैं उनसे। और एज अ डांसर मेरे लिए शिव जी बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि एज डांसर शिव जी इज नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस, एंड शिव जी के साथ कनेक्शन एक बहुत अलग है। एंड मेरी भक्ति की शुरुआत भी शिव जी से हुई थी, तो किस दिन इसके ऊपर वो टॉपिक पर बात करेंगे, मैं कैसे भक्ति में आया। तो भगवान से मतलब कि शिव जी, शिव तत्व एक अलग तत्व है जो कि गुरु तत्व जैसे ही होता है। तो मेरी लाइफ में शिव जी एज अ गुरु आए, एंड माँ पार्वती भी उनके साथ ही हैं, तो शिव पार्वती दोनों एक साथ ही आते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं, अर्धनारीश्वर हैं। सो मेरी भक्ति के पहले पार्ट वो दो ही थे, तो उनसे ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। तो उनको बहुत लकी मानता हूं कि उन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की और थोड़ा बहुत भक्ति कर पाया। थोड़ा बहुत भक्ति क्या बताऊँ, मैं करीन रहा प्रैक्टिशनर कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो ऐसे मतलब तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचता हूँ पुरानी टाइम के बारे में कि हाँ मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं। तो उनकी कृपा है जो कि अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं मेरी हम्बल प्रेयर्स एंड मेरी हम्बल प्रणाम्स टू शिव एंड शक्ति, एंड क्योंकि आज शिवरात्रि है तो मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता है श्रावण की शिवरात्रि की, तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो मैं जस्ट यही बोलूँगा, भगवान से प्रे करूँगा कि वो हम सब पे ऊपर कृपा बनाए रखें और हम सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, और हर हर महादेव। तो अभी हम मिलेंगे कल को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जिस दिन ब्लॉग्स, एंड आप सबको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। इस वीकेंड में बहुत बिजी हूँ, क्योंकि ये वीकेंड बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड में बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसके बारे में आप सबको मैं बता ही देता हूँ। अगर कोई दिल्ली में है तो प्लीज़ वो आ सकते हैं। तो एक है 30th सैटरडे को है हमारा नाटालय का एक फंक्शन, जो कि है इंडियन हैबिटेट सेंटर शायद यहाँ पे, ये मैं आप सबके साथ कल को क्लियर कर दूँगा कि कहाँ पर है वो। तो भारती नाम से एक हमारा फंक्शन है जिसमें हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं 15 अगस्त को, तो हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सब लोग वहाँ पे भी आ सकते हो। और संडे को है कीर्तन मेला नोएडा में, तो नोएडा सेक्टर में, वो भी आप सबके साथ क्लियर, सबके एड्रेस में कल को क्लियर करूँगा आप सबको। तो अगर आप सबको आना होगा तो प्लीज़ आ सकते हैं आप सब लोग, हम सब लोग मिलेंगे वहाँ पे। तो बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा।